नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ एस्कॉर्ट्स ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल के अंदर ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी सीरीज। जैसे कि आपको मालूम है, हमने स्पेशल 3 एपिसोड आपके लिए खास लेके आए थे। आज उसका आखिरी एपिसोड है, एपिसोड नंबर 10, और टॉपिक जो होगा हमारा वो है फ्रंट एक्सल। फ्रंट एक्सल की अगर बात करें, ये बहुत मुख्य अंग होता है ट्रैक्टर के लिए, क्योंकि आगे के जो पहिए रहते हैं वो फ्रंट एक्सल के आधार पे ही चलते हैं। और इसके अलावा आप इसकी क्लासिफिकेशन जानना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो, फ्रंट एक्सल की क्लासिफिकेशन 2-व्हील ड्राइव या 4-व्हील ड्राइव एक्सल के हिसाब से आप क्लासीफाई कर सकते हो। 2-व्हील ड्राइव के अंदर अगर आप जानना चाहोगे तो एक आता है फिक्स्ड फ्रंट एक्सल, एक आता है एडजस्टेबल या फ्लेक्सी फ्रंट एक्सल, तीसरा आता है वो है बेंट बो या स्वेप्ट बैक फ्रंट एक्सल, और आखिरी में HD मतलब हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल। और 4-व्हील ड्राइव, जैसे कि आप जानते ही हो दोस्तों, नए टेक्नोलॉजी जो ट्रैक्टर में आ रहा है वो 4-व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी आ रहा है। आइए ये सारी क्लासिफिकेशन को बारीकी से जानने की कोशिश हम आज करेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो है फिक्स फ्रंट एक्सल। जैसे कि आपके पिक्चर में दर्शाया गया, आप देख सकते हो यूरो जो पावर ट्रैक का यूरो ट्रैक्टर है, ये सामने एक्सल जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा रिजिड है और बहुत मजबूत एक्सल इसमें लगाया गया है। फिक्स्ड एक्सल का मतलब ये होता है कि ये एक्सल 1 पीस में होता है, इसमें कहीं बीच में जॉइंट या एडजस्टमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको फिक्स्ड एक्सल कहा जाता है। अभी बात करते हैं एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल। जैसे कि पिक्चर में दर्शाया गया, आप देख सकते हो फ्रंट एक्सल टेलीस्कोपिक तरीके से रहता है, मतलब ये फ्रंट एक्सल 3 भागों में बटा रहता है। एक इसका सेंटर पार्ट होता है और दूसरा इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड एक्सल होते हैं, और ये जुड़ते हैं ये बोल्टों से। यहाँ देख सकते हो 1, 2, 3, 4 ये बोल्ट से ये तीनों एक्सल की जो पार्ट्स है वो जुड़े रहते हैं। अगर इसकी फायदे की बात करें, आपके यहाँ कपास की खेती, आलू की खेती, जैसे ये रो क्रॉपिंग की खेती करते हैं तो उसमें ये बहुत फायदेमंद होता है। कैसे? जैसे आपकी मेड बनी होती है, उस मेड के हिसाब से इसकी ट्रैक विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हो, बाहर खोल सकते हो या अंदर इसको डाल के भी टाइट कर सकते हो। देखिए आपके स्क्रीन पे ये दोनों ही एक्सल बाहर आ गए जब ये बोल्ट आप खोलते हो, तो ये हर 2 इंच में एक एक्सल बाहर आता है। तो जब भी आप एडजस्ट करते हो तो 2 इंच इस तरफ और 2 इंच उस तरफ, दोनों तरफ से आप इसको खोल सकते हो। कुल मिला के 8 बार इसको बाहर या 8 बार इसको अंदर आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। आइए दोस्तों, आपको एक खास वीडियो दिखाएं, ये एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल का फायदा क्या है आपके स्क्रीन पर। इसकी जो फ्रंट एक्सल की अगर बात करें तो फ्लेक्सी एक्सल हमने दिए हैं। ये जो बोल्ट है इसको खोल के आप इसको बड़ा या छोटा 2 से 2.5 फीट इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। इसका फायदा यह है, रो क्रॉपिंग के अंदर आप रिजर वगैरह चलाना चाहो, पौधे के बीचों में चलाना चाहो, तो इसको आगे और पीछे दोनों तरफ एडजस्ट करके चला सकते हो। सलों पर दाएं और बाएं पहियों के बीच आपस की दूरी एडजस्ट की जा सकती है। 48 इंच से शुरू होकर 4 इंच के फासले पर 7 प्रकार से एडजस्ट करने की सुविधा। ये लाइनों में लगाने वाली फसलें जैसे आलू, गन्ना, कपास आदि की बुआई, गुड़ाई और कटाई के समय काम आते हैं। समझदार किसान वही है जो आधुनिक तकनीक को इस्तेमाल करके लेबर की जरूरत और लागत कम करे, जोखिम घटाए और फायदा बढ़ाए। आइए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं स्वेप्ट बैक या बो एक्सल या बेंट एक्सल। कई अलग अलग नाम हैं इसके, मगर काम एक ही है। जो इसका फ्रंट एक्सल रहता है ये सीधा नहीं रहता है, ये एज में तिरछा रहता है, यहाँ भी और यहाँ भी। जब ये तिरछा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इसकी जो फ्रंट व्हील है, उसकी जो सेंटर एक्सिस है, वो थोड़ा पीछे हो जाता है। जब वो पीछे हो जाता है तो उसकी व्हील बेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्वेप्ट बैक एक्सल छोटी मोड़ आसानी से काट लेता है। जहाँ पर आपके यहाँ छोटी खेत है या आप फसल जैसे कि सुपारी, जैसे अर्कनेट जैसे खेत में ट्रैक्टर को छोटी जगह पे घुमाना चाहते हो, तो ये जो बो एक्सल या बेंट एक्सल बहुत
फायदेमंद या कारगर रहता है। आइए दोस्तों ट्रैक्टर पे ले जाके ये बेंट एक्सल कैसे दिखता है और इसकी व्हील बेस कैसे कम होती है वो देखेंगे आपके स्क्रीन पर। जो फ्रंट एक्सल आप देखोगे, ये देखिए फ्रंट एक्सल, ये पूरी की पूरी कास्टिंग की है और ये एडजस्टेबल भी है। ये बोल्ट आप निकाल के इसको चौड़ा या छोटा भी कर सकते हो। और ये जो एक्सल है ये सीधी नहीं है, ये टेढ़ी है। ये होने के कारण इसके फायदे ये हैं, ये टेढ़ी होने के कारण इसकी जो व्हील बेस है, जो आगे के सेंटर एक्सल से लेकर पीछे की सेंटर एक्सल, वो छोटी हो गई है। इसका फायदा ये है कि जब ये ट्रैक्टर मोड़ काटेगा, छोटी जगह में भी पूरा का पूरा आसानी से मोड़ काट सकता है। छोटे खेत हैं या धान की खेत है जहां पर छोटी कटाई आपको करनी पड़ती है, तो बहुत ही फायदेमंद होता है ये ट्रैक्टर। अभी हम बात करेंगे हैवी ड्यूटी या HD एक्सल। जैसे कि आपके स्क्रीन में दर्शाया गया आप देख सकते हो, इसकी जो फ्रंट एक्सल है ये इतनी हैवी ड्यूटी है और दिखने में भी रोबस्ट दिखता है, क्योंकि ये जो फ्रंट एक्सल बना हुआ है ये बॉक्स टाइप है, स्क्वायर टाइप और बॉक्स टाइप है। और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है इसकी कास्टिंग भी बहुत हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल सपोर्ट दिया गया है। अगर जानना चाहते हो ये क्या फ़ायदेमंद होगा इसका, सारे जो कमर्शियल एप्लीकेशन आते हैं जैसे कि लोडर, डोजर या कोई ग्रेडर, उन कामों के लिए ये HD एक्सल बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है आधुनिक खेती के अंदर, या बड़ा खेती है या किसान जो बड़ा लोड का काम करना चाहता है उसके लिए कारगर है 4-व्हील ड्राइव। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी को लेते हुए आपके स्क्रीन पे देखिए 4-व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी का फ्रंट एक्सल। ये 4-व्हील ड्राइव फ्रंट एक्सल क्यों इतना भारी रहता है, क्यों इतना हैवी है और इसके सामने इतने बड़े पहिए क्यों डालते हैं, जानने की कोशिश अभी हम करेंगे। तो जैसे आप यहाँ इस पिक्चर में दर्शाया गया देख सकते हो, पीछे से गियरबॉक्स से इसको ड्राइव मिलता है और ये ड्राइव जो है आगे एक छोटा सा क्राउन पिनियन रहता है फ्रंट एक्सल के अंदर। जो ड्राइव आता है पीछे से वो दोनों पहियों को बराबर बराबर बांट देता है। यही नहीं, जो एस्कॉर्ट फार्म ट्रैक या पावर ट्रैक के जो 4-व्हील ड्राइव एक्सल आते हैं इसके अंदर LSD टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब है लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका कोई भी एक फ्रंट पहिया स्लिप खाने लगा कीचड़ के कारण या नमी के कारण, तो ऑटोमेटिकली ये LSD टेक्नोलॉजी दोनों व्हील को लॉक करके कीचड़ से खींच लेगा बाहर। और हाँ, ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें कोई ड्राइवर को बटन या लीवर दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो है LSD टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही आप देख सकते हो जब ये ड्राइव क्राउन पिनियन से होते हुए व्हील की तरफ आता है तो यहाँ एक छोटा सा EPI सिस्टम बिठाया गया है ताकि जो भी लोड या शॉक आता है बाहर से वो यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाता है और वो जो लोड है अंदर क्राउन पिनियन पर नहीं आता है। आइए दोस्तों 4-व्हील ड्राइव को लेते हुए आपके मन में बहुत सारा प्रश्न होंगे, उन सब का प्रश्न का उत्तर एक बढ़िया सा वीडियो में दिखाऊंगा, जिसके अंदर जो भी 4-व्हील ड्राइव को लेते हुए वहम है, जो भी 4-व्हील ड्राइव को लेते हुए काम है वो कैसे आसानी से हो जाता है, ये वीडियो देखिए आपके स्क्रीन पर। हाँ बेटा, विदेशों में तो बहुत बड़े और अच्छे ट्रैक्टर्स चलते हैं। विदेशों में ही क्यों दादू, हमारे देश में भी बड़े और 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर चलते हैं। चलते ही नहीं दादू, अब तो बनते भी हैं। और 4-व्हील ड्राइव? जी देखिए। ट्रैक्टर दिखता तो अच्छा है बेटा, लेकिन ये 4-व्हील ड्राइव की बहुत परेशानियां हैं। परेशानियां? जैसे? एक हो तो गिनाओ ना बेटा, बहुत बड़ा तो है ही, महंगा भी बहुत है, तकनीक बेहद पेचीदा और मेंटेनेंस बहुत भारी, तेल तो बहुत ज्यादा खाता है और उसके अगले टायर की कीमत जानते हो,
और बड़ा है तो छोटा मोड़ तो काट नहीं सकता। बस है? दादू बस जरा ठहरिए, आप तो भ्रम में जी रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ दादू, जो ट्रैक्टर आपने अभी देखा है ये फार्म ट्रैक का 50 HP का ट्रैक्टर है, जो भारतीय खेतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। 4x4 और बड़े बड़े काम करता है। अच्छा जी, देखिए दादू, विदेशी कंपनी के 55 HP के टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जितने महंगे आते हैं ना, उतने में फार्म ट्रैक का 50 HP का 4x4 ट्रैक्टर आता है। कहाँ महंगा हुआ? आप कहते हैं तकनीक पेचीदा है, अब आप बताएं, गांव का सोनू आपकी जीप ठीक करता है ना? हाँ करता है दादू, वो 4x4 है। और तो और, जमाने से चले आ रहे हैं ऐसे ट्रक, आर्मी के टैंक कार सब 4x4 ही तो है, कहाँ पेचीदा है। अब आइए, लगे हाथों आपका टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव का भरम भी तोड़ ही देता हूँ। ये देखिए, टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में पावर सिर्फ पिछले दो पहियों में होती है, जिसके कारण उबड़ खाबड़ रास्तों में या फिर ज्यादा लोड पर ट्रैक्टर स्लिप मारता है और आगे से उठ भी जाता है, जिससे ड्राइवर की जान को भी खतरा होता है। मगर फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में अगर पीछे के टायर खड्डे में फंस जाते हैं तो आगे के टायरों में पावर होने की वजह से पूरा जोर लगाता है, जिससे ट्रैक्टर आराम से निकल जाता है। और इसका कारण है कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में पावर चारों पहियों में बराबर जाती है, जिससे ट्रैक्टर की जमीन पर ज्यादा पकड़ होती है और ट्रैक्टर की लोड खींचने की ताकत 15-20% बढ़ जाती है और इंजन से मिलने वाली पावर का हम पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। दादू अब तेल पीने वाली बात जरा डिटेल में समझिए, जरा 55-60 HP का कोई भी ट्रैक्टर और फार्म ट्रैक का 60-50, इसको कंपेयर कीजिए। रुकिए रुकिए, मैं दिखाता हूँ। देखा बेटा, कोई भी 60 हॉर्स पावर का टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जो इंप्लीमेंट चलाता है फार्म ट्रैक का 50 हॉर्स पावर का 4x4 ट्रैक्टर, उससे बड़ा इंप्लीमेंट बड़ी आसानी से चला सकता है। अगर दोनों का एक घंटे का खेत में काम देखें तो 60 हॉर्स पावर के टू व्हील ड्राइव ने किया 3.51 एकड़ और फार्म ट्रैक 60-50 4x4 ने किया 4.258 एकड़, जो कि लगभग 10-15% ज्यादा काम है। और अगर तेल की खपत को देखें तो 60 हॉर्स पावर के टू व्हील ड्राइव ने लिया 1 एकड़ में 1.75 लीटर और 4x4 ने लिया 1 एकड़ में 1.5 लीटर। अगर 1 साल या 1000 घंटे का काम देखें तो 60-50 4x4 लगभग 20% ज्यादा काम कर रहा है और 15% तेल की बचत है, जो कुल मिलाकर 1 साल में 65,000 रुपए की तेल की ही बचत है। बचा ना तेल दादू, ये अब भी आप कहेंगे तेल पीता है। पर बेटा, अरे दादू याद है, आप महंगे टायर की बात करेंगे। दादू जो टायर स्लिप नहीं मारता वो घिसता भी तो नहीं है। एक आम ट्रैक्टर का टायर हर साल बदला जाता है, इसके 4x4 होने से स्लिपेज नहीं होती और 3 साल पर बदला जाता है। अब बताएं, टायर महंगा है क्या? तेरी सब बात ठीक है बेटा, लेकिन बड़ा टायर छोटा मोड़ काट सकता है दादू। ये भी आप मेरे लैपटॉप पर ही देख लीजिए। देखिए, आगे वाले पहियों में पावर होने के कारण ये ट्रैक्टर स्टीयरिंग से ही टू व्हील ड्राइव के मुकाबले ज्यादा आसानी से कम जगह में मोड़ काट लेता है, जबकि टू व्हील ड्राइव में वही मोड़ ब्रेक लगा के लिया जाता है, वरना मोड़ और बड़ा भी हो जाता है। अब दूर हो गए ना सारे वहम, पेचीदा तकनीक, बड़ा ट्रैक्टर, तेल की खपत और छोटे मोड़। बेटा सारे वहम दूर हो गए। जैसे कि दोस्तों आपने फोर व्हील ड्राइव का उपयोग और उसके क्या क्या गलत वहम थे वो दूर हो चुके होंगे अब तक। तो अभी जानने की कोशिश करेंगे फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक ट्रैक्टरों में किन किन मॉडलों में फोर व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। तो यहां देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर छोटा जो 45 फोर व्हील ड्राइव उपलब्ध है हमारे पास, फार्म ट्रैक 60-65 में भी फोर व्हील ड्राइव टर्बो इंजन के साथ उपलब्ध है, 60-50 जो एग्जीक्यूटिव लुक के अंदर फोर व्हील ड्राइव उपलब्ध है, पावर ट्रैक के अंदर भी 45+
फोर व्हील ड्राइव उपलब्ध है 47 एचपी के अंदर, और सबसे बड़ा ट्रैक्टर फार्म ट्रैक 80 प्रो के अंदर भी फोर व्हील ड्राइव उपलब्ध है। यही नहीं, हाल ही में हमने पावर मैक सीरीज भी लॉन्च किए हैं, आपके स्क्रीन पे देखिएगा फार्म ट्रैक 6055 पावर मैक्स फोर व्हील ड्राइव हमने लॉन्च किया। यही नहीं, फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स फोर व्हील ड्राइव भी हमने हाल ही में लॉन्च किया है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड के अंदर आपने जाना फ्रंट एक्सल टेक्नोलॉजी। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया है, तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यही नहीं, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले अगले सीरीज को आप मिस ना करें। और हाँ, नया वेब सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वेब सीरीज का अंत कर रहा हूँ। ये था हमारा 10 एपिसोड का ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी सीरीज। धन्यवाद।